अजमेर के ब्यावर से बड़ी खबर है। सदर थाना क्षेत्र के खरवा में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बस का टायर दरअसल फटने से वीडियो कोच बस पलटी है। हादसे में एक की मौत हो गई है। 26 बस यात्री जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को AKH में भर्ती करवा दिया गया है। 4 बस यात्री प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर किए गए हैं। भरतपुर से सांचौर की ओर जा रही थी वीडियो कोच। देर रात खरवा के समीप यह हादसा हो गया। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक की मौत इस पूरे मामले में अभी तक पता चली है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये हादसे की क्या वजह रही है और अभी और क्या जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई ये जानेंगे, लेकिन फिलहाल ये हादसा देर रात हुआ है अजमेर के ब्यावर में, सदर थाना क्षेत्र के खरवा में बड़ा सड़क हादसा ये हुआ है। बस का टायर फट गया जिससे वीडियो कोच पलट गई। हादसे में एक की मौत, 26 बस यात्री घायल। और जो सभी घायल हैं वो AKH अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए हैं। 4 बस यात्री उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिए गए हैं। प्राथमिक उपचार दिया गया, उसके बाद अजमेर इनको रेफर किया गया है। देर रात का यह हादसा टायर फटने की वजह से हुआ है। टायर फटता है, उसके बाद वीडियो कोच पलट जाती है। मुकेश हमारे सहयोगी फोनलाइन पर है। मुकेश, क्या और जानकारी अभी? जी दीपिका, ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, देर रात की घटना है और खरवा के समीप रात को जो बस भरतपुर से जालौर की ओर जा रही थी, अचानक खरवा के समीप उसका टायर फट जाता है। फटने से एकदम से गाड़ी पलट जाती है और गाड़ी यात्रियों से खचाखच भरी थी, जिसमें अचानक फटने से और यात्री सभी रात होने के कारण सो रहे थे, अचानक हादसा होने से सारे यात्रियों में हड़कंप मच गया, हाहाकार मच गया और इस घटना में 26 लोग घायल हो गए और एक की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस के ASI प्रकाश राम मौके पर पहुंचे मैं जाप्ता के, और घायलों को हाईवे एम्बुलेंस और निजी एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों के अंदर 2 बच्चे, मासूम बच्चे भी शामिल हैं। बड़ा हादसा है, एकदम से अचानक होने से अफरा तफरी मच गई। बिल्कुल मुकेश, जिसकी मौत हुई है वो कहाँ का रहने वाला है, उसके विषय में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? इस बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री थे, उनमें से 26 घायल हुए थे। अभी पुलिस जानकारी जुटा रही है कि ये कहां का रहने वाला था। चलिए ठीक है, शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए। तो देखिए, एक की मौत हुई है और 26 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे।